नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन से द स्क्वायर सरफेस ऑफ साइड एल मीटर इन द प्लेन ऑफ पेपर इस प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्टिंग अलॉन्ग द सेम प्लेन एट एन एंगल थीटा विद द हॉजल साइड ऑफ द स्क्वायर एज शोन इन द फिगर सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लग्स लिंक टू द सर्फेस इन यूनिट्स ऑफ वोल्ड मीटर विल भी और हमें चार ऑप्शन दे रखें बहुत ही सिंपल सवाल है गौसलॉ की एप्लीकेशन uh, है तो ये हमारा मान लीजिए बोर्ड है उस बोर्ड के उस बोर्ड के प्लेन में हमने एक पेपर को रख दिया है और हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी इसी प्लेन में है राइट सो अब हमें बताना है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई है ये भी इसी प्लेन में है तो हमें बताना है कि इस वाले केस में हमारा फ्लक्स कितना होगा ना अपने को पता है कि जो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते हैं फ्लक्स को हम लिखते हैं ई डॉट डी ए या फिर इसको हम कह सकते हैं ई ए कॉस थीटा वे थीटा इज एंगल बिटवीन ई एंड ए तो अगर हम देखेंगे तो हमारी ई e इस डायरेक्शन में है और ए या तो आउटवर्ड या इनवर्ड है सो तो उस पेजिस पे हम कह सकते हैं कि थीटा ई e और ए के बीच में जो एंगल है थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री और हमें पता है कि थीटा अगर 90 डिग्री है कॉ थीटा जीरो होगा हमारा फ्लक्स हाँ विल बी इक्वल टू जीरो तो इनमें से कितना फ्लक्स इस पेपर से बाहर आ रहा है आंसर वुड बी इक्वल टू जीरो सो बेस्ड ऑन दिस हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ज़ीरो वुड बी द राइट चॉइस